गाइस, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए हिल स्टेशन। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आगे आप लोगों को बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी, क्योंकि मम्मी लोग हैं सिलीगुड़ी में, तो मम्मी लोग से पहले मिलेंगे, उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। एंड देख सकते हो ट्रेन जो कटिहार स्टेशन से निकल पड़ा है सिलीगुड़ी के लिए। एंड मेरे सोनू देखिए इधर बैठ के बोल रही नहीं नहीं वीडियो नहीं बनाओ, उसको दिखा रही तो और ज़्यादा वो नई नई मुँह बनाकर दिखा रही देखिए, एंड वो मुँह भी छिपा रही ताकि दिखे ना। और अभी सुबह सुबह के टाइम में तो बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा है। देखो मैंने एक शॉल सामने में रखा हुआ था ताकि जब भी ठंडा ठंडा करे तो मैं उसको अच्छा से कवर करके बैठ सकूं, बट मेरे सोनू का यूज हो गया, देख सकते हो बहुत ही ज्यादा हवा आ रहा था तो मेरे सोनू को इस तरीके से कवर किया। देखो फिर से वो मुंह बनाने लगी, जो क्यों बना रहा तुम वीडियो। एंड अजय को मैं दिखाती हूँ देखो क्या कर रहा है अजय, देखो ऐसे करके वो सोई ने बस ऐसे मुंह बना के देख रही है, उसको पता नहीं हो, वो जब वीडियो देखेंगे तब बोलेंगे क्यों दे दिया तुमने ये वाला वीडियो। मॉर्निंग टाइम है तो बहुत ही ठंडा ठंडा करा था, इस वजह से हम लोग विंडो बंद किए थे। एंड थोड़ा देर बाद जब धूप निकला ना, देखो मेरे सोनू मस्ती कर रहे हैं, एंड अजय सोच रहे मैं फोटो ले रही तो पोज दे के बैठी हुई बैठा हुआ मतलब। एंड उसके बाद मैंने जब बोला वीडियो बना रहा तो फिर से नॉर्मल हो गया। एंड इधर मैं धूप लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, इतना गर्मी होने के बाद भी ना सुबह में धूप लगाने में अच्छा लग रहा था, और घर पे तो नहीं लगाते क्योंकि सोए हुए रहते हैं। अभी हम लोग को ना कौन सा स्टेशन आया पता नहीं, भूल चुकी हूँ मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे पता नहीं, क्योंकि स्टेशन का तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था और पूरा ट्रेन खाली था, तो इस वजह से हम लोग बहुत ही मस्ती करते करते सिलीगुड़ी पहुंचे। मम्मी पापा से मिलने के बाद हम लोग दोबारा बैठ चुके हैं ट्रेन में। अभी हम लोगों के जाना है न्यू माल जंक्शन और वहाँ से हम लोग जाएंगे मेटली। और ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था तो ज़्यादा हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं किया है, और आप लोगों से बातें करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं मेटली। मेटली हम लोग टोटो करके जा रहे हैं और न्यू माल जंक्शन से उतरे, उसके बाद हम लोग टोटो में करके जा रहे हैं। भाई और मेरे बहन का जो हस्बैंड है ना, यानी मेरा जीजाजी, वो आए थे हम लोगों को लेने के लिए, तो उसके साथ हम लोग जा रहे हैं। घर पहुँचते ही ना मैं वीडियो करना भूल चुकी थी, और हम लोग मौसी के घर आए हुए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डे घूमने के लिए। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही ऑसम सा है, क्या ही मैं बताऊँ। और किसे किसे हिल स्टेशन पसंद है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड इधर देख सकते हैं झरना का पानी है, और यहाँ का पानी एकदम से क्लीन एंड क्रिस्टल है। एंड मैं फीस भी दिखाती हूँ ऊपर से ही, जो कि शूट किया हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही ऊँचा से शूट किया है। एंड ये मछली ना बहुत ही छोटा दिख रहा है ना, बट है इसका साइज़ जो है ना 6 से 7 इंच का ये फिश है, बट से इस बच्चे जो छोटा छोटा दिख रहा है। और यहाँ पे फिश भरा हुआ था, बहुत सारा मछली था यहाँ पे। और हाँ ये खाने वाला फिश है, ऐसा नहीं कि एक्वेरियम वाला फिश है इस वजह से तैर रहा है, ऐसा नहीं है, खाने वाला फिश है। हम लोगों के उधर रहता ना तो इसको सब पकड़ते हैं खा लेते हैं। इधर देखो खुलेआम घूम रहे हैं, एंड पानी देखो कितना कम पानी है, बस इतना ही पानी में ये फिश आराम से तैर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या ही खाता है पता नहीं, एकदम से खाली स्टोन ही भरा हुआ और कुछ नहीं। एंड यहाँ का पानी भी क्लीन है तो फिश भी बहुत ही अच्छा होगा, एकदम फ्रेश फिश। एंड हम लोग यहाँ से निकल पड़े दूसरा जगह जाने के लिए। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोग दूसरा कहाँ जाते हैं। और पहाड़ों पे इतना अच्छा प्यारा प्यारा व्यू आता ना, क्या ही मैं बताऊँ। मैं खुद को दिखाने भूल चुकी थी आप लोगों को, बस मैं बैकग्राउंड शूट करके दिखा रही थी ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, एकदम से आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो जैसे मैंने इंजॉय किया, वैसे आप लोग भी घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं, इस वजह से मैंने अच्छे से व्यू शूट किया है। एंड देखो इधर एकदम कुआसा कुआसा है, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना ठंडा ठंडा भी मौसम है, तो हम लोगों को विंटर का कपड़ा लेकर जाना पड़ रहा है। और इस साइड है चाय बागान, तो चाय बागान के ना मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि चाय बागान देख देख के मैं भी बोर हो चुकी हूँ, आई थिंक आप लोग भी बोर हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि किशनगंज पार्क का ना खाली चाय बागान ही चाय बागान दिखते हैं इस वजह से। और मैं थोड़ा सा आप लोगों के सिनेमेटिक शॉर्ट्स भी इंजॉय कराती हूँ। और हाँ वीडियो को लाइक कर देना। और इधर जो दिख रहा है ना ये रोड, हम लोग अभी इधर से ही आए हैं, एक मिनट मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखो इधर से ही अभी हम लोग आए, मुझे तो नहीं लग रहा था हम लोग इधर से ही आए, बट सबको बोले हैं हाँ इधर से ही आए, तो मैंने भी विश्वास कर लिया इधर से ही आए हैं। एंड दूर से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। एंड देखो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है, एंड गाड़ी का ज़्यादा आवाज़ नहीं, बस जो चल रहा है उसी का आवाज़ आ रहा है। मैं इसका ओरिजिनल आवाज़ सुनाती हूँ आपको। और यहाँ का घर ना बहुत ही खूबसूरत रहता है, छोटे छोटे सा घर है, खूबसूरत से डेकोरेट किया रहता है, इस वजह से बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना ज़्यादा सनलाइट नहीं था, एकदम हल्का सा सनलाइट था, उसमें सबको जो है ना विंटर ड्रेस पहन के रह रहे थे क्योंकि यहाँ ठंडा ठंडा। यहाँ
यहाँ पे देखो कितना ज्यादा कुहासा है ना, बादल उड़ते दिख रहा है, इधर है आई लव लावा और हर जगह ये ना लिखा हुआ रहता है आजकल, और इधर है हम लोगों का गैंग रुका हुआ इधर ही, एंड ये देखो आप कुहासा देख रहे, धुआं की तरह उड़ते हुए जा रहा है ना, एंड इधर ना बॉर्डर है कि क्या मुझे पता नहीं, बस मैंने वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा देना किस। वहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है, खूबसूरत घर, एंड ऊपर से फॉग एकदम से तैरते हुए जा रहा है, मैंने वीडियो स्पीड नहीं किया है, नेचुरल इसका स्पीड यही है, एंड इधर का रोड जो कि और भी ज़्यादा आकर्षित करते एकदम से राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और इस सीन को हम सब ने छोटे में ना ड्रॉ किए ही है, दो तीन पहाड़ देते हैं, पीछे उगता हुआ सूरज भी देता है, बस यहाँ पे से सूरज मिसिंग है, बट सीन सेम टू सेम है, एंड इधर हम लोगों खा रहे हैं मोमो जो कि है मोमो के साथ देखो रेड चटनी जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है इधर के, एंड देखो और इधर देखो शाम के टाइम हो रहा है, एंड इधर देख सकते हो सूरज डूबने भी लगा है, और हम और ये जो वीडियो देख रहे हैं ना ये जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन शाम का वीडियो है, मेरा मोबाइल में एकदम से चार्जर नहीं था, डाउन था, तो मेरे बहन का मोबाइल लेकर मैं वीडियो शूट किया था, और हम थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो चुका है क्योंकि इसको ना हम लोगों ने व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र किया है इसी वजह से, क्योंकि घर आने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, जब मैं एडिटिंग किया तब मैंने उसे मंगवाया, व्हाट्सएप पर आया तो ये थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब हो गया, बट कोई नहीं आप लोगों को दिखा दिए क्योंकि बहुत ही अच्छा सा व्यू यहाँ पर भी था, मेरे मोबाइल से रहता था और भी अच्छा से क्लियर। मम्मी इधर देखे ना, इधर हाय कीजिए, और हाय कीजिए, हाँ मसी मसा सब एक बार हाय कर दो, हाँ और ये जो मंदिर है ना मेटली का ही है, टोटो से ही हम लोग गए हैं, और ये है नागेश्वर धाम जो कि है भोलेनाथ का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है पहाड़ों के ऊपर, और हाँ मैं सबसे ऊंचा में खड़ा हूँ, किस तरीके से वीडियो शूट किया, ये है मंदिर का अंदर का व्यू देख सकते कुछ ऐसा है, और मम्मी पापा जब भी आते ना ये मंदिर में आते ही है, तो मुझे भी बोल दिया था यहाँ पे जाना, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है इधर, और इधर है गौरी गणेश शिव जी शिवलिंग है, सामने में नंदी महाराज और बाल गोपाल भगवान भी है, एंड यहाँ से व्यू ना बहुत ही अच्छा सा नीचे का व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, एक सेकंड रुको, एंड देखो यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है, एंड बहुत ही अच्छा से डेकोरेट किया गया था, बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया था, एकदम से हर तरफ फूल ही फूल लगाया हुआ है, एंड इधर देखो हम लोग इधर से एंट्री किए हैं, और हम दिखाती हूँ कहाँ हम लोग जूता खोल के रखे हैं, वहाँ जो गेट देख रहे हैं ना गेट के पास में हम लोग सब ने जूता खोल कर इतना ऊपर आए हैं, एंड बहुत ही ऊँचा मैं था, मैं तो सोचती कैसे कैसे करके मम्मी आती, बस यही सोची मैंने क्योंकि बहुत ही ऊँचा है, एंड इधर है झरना का पानी जो कि अभी सूखा हुआ है, तो बस अंधेरा हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं घर, ये मामी मौसी एंड मौसा जी जो है टोटो चला रहे हैं, एंड इधर है मामी एंड मेरी बहन जो कि मौसी का बेटी और छोटे छोटे बच्चे। फिर से घर पे आने के बाद मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं करा है, एंड नेक्स्ट डे दोबारा हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, लोकल ही जा रहे हैं, अभी दूर में नहीं जा रहे हैं, मामी देखिए मैं बोल रही हाई कर दीजिए मामी, एंड इधर देखो बच्चे सब कुछ भी रेडी होकर मैंने जाने के लिए रेडी है जो चलो चलो, तो हम लोग टोटो में करके ही पहुँच चुके हैं क्योंकि ज़्यादा दूर में नहीं पास में ही है, थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है इसके लिए, एंड इधर भी है झरना का पानी, एंड यहाँ पर ना मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया है क्योंकि आगे आप लोगों को पानी वाला सीन दिखा दूँगी इस वजह से, एंड यहाँ पर ये जो देख रहे हैं झरना का पानी इसके ऊपर जाना है, पीछे साइड में एक और है वहाँ जाना, एंड यहाँ पे भी छोटा छोटा मछली भरा हुआ था, एंड और हाँ आगे के वीडियो देखने के लिए ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सेकंड पार्ट वीडियो में और भी ऊंचा पहाड़ का व्यू रहेगा तो मिस मत करना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय।